नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीते वर्ष हुए संजीत हत्याकांड ने कानपुर पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि संजीत की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या आरोपियों ने संजीत को अगवा करने के बाद 30 लाख की रकम मांगी थी। परिवार वालों ने ये रकम पुलिस की मौजूदगी में बताए गए स्थान पर रख भी दी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बाद भी आरोपी पैसा लेकर निकल गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। पूरे मामले की जांच के लिए SIT बनी। संजीत के परिजनों को लखनऊ तलब किया गया। परिजनों ने बताया कि फिर से उनसे पूछताछ हुई। किसी मामले पर ना पहुंचने के बाद अफसरों को कुछ नहीं मिला तो इतना पैसा कहां से जुटाया गया, या कहकर उल्टा पीड़ित परिवार को सवालों के घेरे में ला दिया। परिजन योगी सरकार में न्याय ना मिलने से आहत है। परिजनों ने बताया कि वे CM योगी से मिलने लखनऊ भी गए, पर अधिकारियों ने मिलने ही नहीं दिया। देखना है कि संजीत के हत्यारों और लापरवाही बरतने वाली पुलिस पर सरकार कब तक मेहरबान रहेगी। क्या परिजनों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम रुचि। रुचि जी, आप कहाँ रहते हैं? हम कानपुर में रहते हैं। मेरे भाई का 22 जून 2020 में अपहरण हुआ था। 26 जुलाई को पता चला था कि मेरे भाई को मार दिया गया, लेकिन मेरे भाई का सब बरामद नहीं हुआ। हम इंसाफ चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से न्याय चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलने नहीं। रुचि जी, एक साल बीत चुका है, जिसकी सरकार ने आपके न्याय के लेकर कोई अभी तक न्याय मिल पाया आपको? जी नहीं, हमें कोई न्याय नहीं मिल पाया। कल आप कहाँ गए? मेरी मम्मी पापा लखनऊ गए थे लक्ष्मी सिंह से मिलने अधिकारी से, लेकिन वहाँ से भी कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। एक साल पूरा बीत चुका है। बताइए, अगर आपको लगातार एक साल बीत चुका अभी भी न्याय नहीं मिला, तो न्याय आपको ना मिला तो किस तरीके से आप अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता। हम अपनी बात रखना चाहते हैं उनके सामने। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेंगे। क्या मंत्री यहाँ गए थे मिलने के लिए? नहीं गए, हमें मिलने जाने नहीं दिया जा रहा। कौन आपको रोकता? प्रशासन हमें रोकता। बताइए, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है ना मिलने। प्रशासन की लापरवाही हमारे भैया के मर्डर में भी गई। अगर प्रशासन खुलासा कर देता 5 दिन का वक्त था, 5 दिन के बाद उन्होंने मेरे भाई को मारा था। आपके भाई के जो हत्यारे हैं, जो अभी तक जेल की सलाखों खींचे, क्या उनकी उनके क्या कार्रवाई हो रही है? क्या उनको न्याय, क्या सजा मिलेगी? जी पता नहीं, सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंकल जी, आपके बेटे को एक साल की हत्या हुई थी, उसमें क्या कहेंगे? कहाँ कल गए थे आप? कल लखनऊ गए थे, लक्ष्मी सिंह IGP ने बुलाया था बयान के लिए, अपर्ण गुप्ता को उन्होंने बुलाया था। क्या शासन मिला है, क्या कहा? कुछ नहीं साहब, वही पूछताछ हो रही कि नोट आप कहाँ से लाए, कहाँ से दिया, कैसे दिया। हमने बताया भी जो भाई हमारे पास ऐसा पैसा था, हमने रिश्तेदारों को नहीं दिया, सारी चीज़ें बताया पूरा दिया। अच्छा, इसको लेके आप लगातार एक साल बीत चुका है, आप अब लखनऊ भी गए हैं, योगी आदित्यनाथ से आपकी संपर्क कर कुछ नए मुख्यमंत्री साहब से तो मिलने के लिए बहुत हमने कोशिश की थी, हमको मिलने नहीं दिया गया था। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से SIT आप लगातार मिलते रहेंगे, क्या आपके जो अपराध हैं जिनको सजा मिलेगी? अब ये क्या बताएं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें क्या था? क्या आपको लगता है भाजपा सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा आपके बच्चे के नहीं, या नहीं मिल पाएगा? अब ये तो हम कोई राजनेता तो है नहीं, हम तो आम पब्लिक हैं, हम ये तो नहीं कह सकते भाजपा में। अगर आप लगातार एक साल बीत चुका है, इस तरीके से न्याय नहीं, तो आप किस तरीके से अभी तो न्याय लेकर मांग करते रहेंगे, आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ाई क्या कर, जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम दौड़ते भागते तो रहेंगे। अब ये तो अधिकारियों नेताओं का काम है। अभी तो जो जिसमें पुलिसकर्मी अभी फंसे थे, क्या उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हो चुकी है? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अच्छा, वो लेटर को लेकर जो आप टाइप किए गए, तो उसमें क्या कहा जा रहा था आपसे? वो यही पूछ रहे थे कि आपने पैसा कहाँ दिया, क्या आपके साथ में व्यवहार हुए। हमने बताया भी कि भैया हमारे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार होता रहा, और कोई सुनवाई नहीं, पुलिस प्रशासन से सुनवाई नहीं। अच्छा, फिर आपको आश्वासन क्या मिला है? कुछ आश्वासन नहीं दिया गया, कोई आश्वासन ये नहीं कहा गया कि आपकी क्या हो रहा, क्या हो, ये जाँच हो रही है।
विवादी जांच हो रही है। कानपुर की एक ऐसी कहानी जो कि परिवार को रुलाने वाली, जो कि रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही एक संजीत हत्याकांड का बहुत ही बड़ा एक दुख बड़ी कहानी हुई थी, जिसको आपको बता दें कि संजीत का परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी अगर बात करी जाए तो कहीं से भी अभी तक उसका एक खुलासा तक नहीं कर पाई, जिसका परिवार कल SIT की जांच आने के बाद जो कि लखनऊ गया था, लखनऊ में उनके बयान हुए, बयान होने के बाद वो जब घर आए हैं तो आज उनके परिवार से जब बात करी गई है तो आज भी उनका परिवार योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासनिक द्वारा अभी तक उनको वहाँ तक की पहुँचने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।